हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न फर्स्ट स्टैंडर्ड सब्जेक्ट प्ले डू लर्न दैट इज़ काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़। ओके, काइनेस्थेटिक मीन्स रिलेटिंग टू अ पर्सन्स अवेयरनेस ऑफ द पोजिशंस एंड मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय मीन्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इन मसल्स एंड जॉइंट्स। दैट मीन्स कि काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं उसमें आपके जितने भी पार्ट होते हैं बॉडी के, लेग्स, हैंड्स, नीज एंड हील एंड मतलब एवरी थिंग, आपकी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं सब कुछ इस एक्टिविटीज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी गेम हैं इसमें वो सब काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज़ हैं। इसमें सारे बॉडी पार्ट्स को यूज़ होगा, सारे बॉडी पार्ट्स इस गेम में यूज़ होंगे। सो फर्स्ट वन इज़ स्कीपिंग रोप। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अ गर्ल इज़ जम्पिंग विद अ रोप। ओके, सो दिस गेम इज़ स्कीपिंग रोप। सो जंप रोप ऑल्सो कॉल्ड स्कीप रोप। ओके, स्कीपिंग रोप। दिस गेम प्लेड बाय इंडिविजुअल और टीम्स विद अ पीस ऑफ रोप विच मे हैव हैंडल्स लाइक दिस अटैच्ड ऑफ ईच एंड। एंड में क्या होता है इस रोप में, इस तरीके से हैंडल रहता है। ओके, व्हेन इट इज प्लेड एज अ गेम ईच प्लेयर इज रिक्वायर्ड टू मूव इन वाइल द रोप। इसमें क्या होता है, जो भी प्लेयर होते हैं इसमें इन्हें मूव करना होता है इसके साथ साथ में, इसे उनको इसके साथ साथ में उन्हें पैर से इसको लेके जाना रहता है, फिर ऊपर से लेके जाएंगे, इस तरीके से इसके साथ साथ में उन्हें मूव करना होता है। ओके, सो व्हाइल द रोप इज टर्निंग कंप्लीट द जंप एंड मूव आउट विदाउट कॉन्टैक्टिंग और स्टॉपिंग द रोप। द जंप्स रिक्वायर्ड यूजुअली बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एज द गेम प्रोसीड्स। दैट मीन्स कि क्या करना होता है कि जब ये जंप करते हो आप इससे, तो आपको क्या करना होता है, ये टच में नहीं होना चाहिए, पैर से टच नहीं होना चाहिए, ये जो रोप है ये पैर को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे सर को भी यहाँ पे मतलब टच नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्टिंग, और यहाँ पे स्टॉप नहीं होना चाहिए। जितना अगर बोला गया है 20 करना आपको फटाफट, तो आपको 20 फटाफट करने होते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है कि इंडिविजुअली भी खेल सकते हैं और टीम में भी खेल सकते हैं। टीम में खेलेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, कॉम्पिटिशन रहेगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ओके, जो इस तरीके से टच कर लेगा इस रस्सी, जिसके पैर में अटक गई या स्टॉप हो गया, ये रस्सी के थ्रू कोई अटक गया उसमें या टच हो गया सर पे या पैर पे, तो फिर यहाँ पे वो आउट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट गेम इज वॉकिंग ऑन ब्रिक्स वाइल मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस। मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, वॉक करना है ब्रिक्स पे। ब्रिक्स मीन्स ईंटें होती है ना, ईंट जिससे हमारा घर बनता है, उस पे बैलेंस बना के चलना होता है। दैट मीन्स इन दिस गेम रिक्वायर्ड सम ब्रिक्स। ओके, सम ब्रिक्स एंड वन बाय वन ब्रिक्स इज प्लेस्ड इन द लाइन एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी पे डिस्टेंस होगी। ओके, डिस्टेंस पे रखा होगा ये। इन दिस गेम पार्टिसिपेंट्स हैव टू मेक देयर ओन बैलेंस बाय कीपिंग वन फुट ऑन ईट लाइक दिस। वन फुट इस पे, फिर वन फुट इस पे। ओके, एंड द पार्टिसिपेंट्स कम ऑन द ग्राउंड और ही कुड नॉट मेक हीज और हर बैलेंस, देन विल बी आउट इन दिस, आउट ऑफ दिस गेम। अगर ये इस तरीके से पैर रखती है या फिर ये बैलेंस इसका डगमगा जाता है या पैर इसका नीचे ज़मीन पे आ जाता है या गिर जाती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये आउट हो जाएगी गेम से। समझ में आया, ये क्या होता है इस गेम में, इस तरीके से लाइन लाइन से इस तरीके से ब्रिक्स रखे रहेंगे दूर दूर पे, दूर दूर पे, ताकि वो इस पे एक पैर इस पे रखे, फिर एक पैर इस पे रखे, फिर एक पैर इस पे रखे। बैलेंस अगर वो नहीं बना पाएगी, नहीं मेंटेन कर पाएगी, उसका पैर ज़मीन पे आ गया, तो शी विल बी लूज इन दिस गेम। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्टिक गेम। स्टिक गेम को बोला जाता है विटी डंडू, या फिर इसे गिल्ली डंडा भी बोला जाता है। ओके, सो स्टिक गेम इज ऑल्सो कॉल्ड गिल्ली डंडा एंड विटी डंडू ऑल्सो। ओके, गिल्ली डंडा या विटी डंडू और स्टिक गेम प्लेड इन द रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। जो गाँव में या स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे शहरों में खेला जाता है। दिस गेम इज रिक्वायर्ड अ स्टिक लाइक दिस, अ स्टिक एंड देयर इज अनदर स्मॉलर स्टिक, छोटी सी भी स्टिक, एक बड़ी स्टिक एक छोटी स्टिक, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो। ओके, राउंड इन द मिडिल एंड शार्प एट एंड्स। आप देख रहे हो यहाँ पे बीच में राउंड है एंड साइड में कैसा शार्प है एकदम। ठीक है, मीन्स
a second stick, another smaller stick round in the middle and sharp at ends. This is gilli and this is danda. Okay, या फिर ये विटी and this is डंडू. Okay, तो दोनों बोला जाता है, इसे गिल्ली डंडा भी बोला जाता है, विटी डंडू भी बोला जाता है. विटी बोलेंगे तो दिस इज विटी, डंडू बोलेंगे तो ये, गिल्ली बोलेंगे तो ये छोटी वाली गिल्ली, बड़ी वाली डंडा. ओके, इन दिस गेम व्हाट यू हैव टू डू, सो यूजिंग द डंडा, यू हैव टू डू यूजिंग द डंडा टू हिट, जैसे ये हिट कर रहा है इस पर, हिट हार्ड ऑन द गिल्ली, जोर से इस पर गिल्ली पे हिट करना होता है, जोर से मारना होता है. ओके, the causes the gilli to flip and when in the air you have to direct snag it like you are playing cricket. That means ये जब हवा में, जब इसके आप यहाँ पे, ये जहाँ पे शार्प है इसके कॉर्नर में जब मारोगे डंडे से, आपको जोर से मारना रहे, जैसे आप हिट करते हो बैट से, क्रिकेट में कैसे हिट करते हैं बैट से बॉल को मारते हैं, ऐसे ही इस डंडे को भी, ये थोड़ा थोड़ा क्रिकेट से मिलता जुलता गेम है. इस डंडे से ये जब यहाँ पे फ्लिप करेगा तो जब उड़ेगी गिल्ली तो ज़ोर से डंडे से मारना होता है, जैसे बॉल को मारते हैं, जब ये हवा में उड़ेगी ज़ोर से, ठीक है, फिर जितनी दूर, जैसे कि यहाँ पे एक गड्ढा होता है उसमें क्या करते हैं ये लोग, इस गड्ढे में इस तरीके से रखते हैं और ये लड़का दूर जाके खड़ा रहता है, फिर उसे कैच करता है, अगर कैच नहीं कर पाता है तो फिर ये गिल्ली को फेंकता है इधर, फिर डंडे जैसे बैट से कैसे मारते बॉल को, फिर ये डंडे से मारेगा इसको, फिर जाके जब दूर गिरेगी ये गिल्ली तो फिर क्या करेगा वो थ्री बार टच करेगा, तीन बार उसे टच करना रहता है, 1 2 3 बार यहाँ पे हिट करेगा, हार्डली मारेगा उसे, फिर ज़ोर से जहाँ जितनी दूर जाएगा उतनी दूर जाके उसका रन बनेगा. ठीक है, दिस इज सिमिलर टू क्रिकेट. ओके, दैट मीन्स दिस गेम कैन बी प्लेड इंडिविजुअली और बिटवीन टू टीम्स. ये इंडिविजुअली मतलब कि एक एक इंसान भी खेल सकते हैं, एक इंडिविजुअली खेल सकते हैं या फिर टीम में भी खेल सकते हैं, 3 पर्सन वन टीम एंड 3 पर्सन अनदर टीम, या फिर 5 पर्सन, मतलब जितने भी हों, तो अलग अलग टीम में भी खेल सकते हैं और अलग अलग इंडिविजुअली भी खेल सकते हैं ये गेम को. ठीक है, तो हमने क्या देखा, फर्स्ट वन इज़ स्कीपिंग रोप, सेकेंड वन इज़ वॉकिंग ऑन ब्रिक्स वाइल मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस, एंड थर्ड वन इज़ स्टिक गेम और विटी डंडू या फिर गिल्ली डंडा, ये इसके नाम है. तो आई होप कि आपको ये गेम समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे. कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं.